नाम निमिजा नायर है। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राधा हिल्स कैप स्कूल है। मेरी कहानी का नाम एक लाल मुर्गा और एक लोमड़ी की कहानी है। एक गांव में एक लाल मुर्गा रहता था। वह खेत में दाने चुन रहा था। तब एक लोमड़ी उसी खेत के पास से गुजर रही थी। तब उसकी नजर उस मुर्गे पर पड़ी। वह लोमड़ी बहुत भूखी थी और उस मुर्गे को खाना चाहती थी। वह मुर्गे के पास गई और बोली, अरे लाल मुर्गे, तुम कितने सुंदर दिखते हो। तुम्हारी आवाज कितनी मधुर और प्यारी है। क्या तुम मुझे अपना मधुर गाना सुनाओगे। मुर्गा खुश होकर अपनी कुकड़ुकू की आवाज सुनाने लगा। तब लोमड़ी मुर्गी के ऊपर झपटी और उसकी गर्दन दबोची और जंगल की तरफ भागने लगी। कुछ जंगली कुत्तों ने लोमड़ी को भागते हुए देख उसका पीछा करने लगे। जंगली कुत्तों को अपने पीछे भागता हुआ देख लोमड़ी और तेज दौड़ने लगी। मुर्गी को एक तरकीब सूझी और लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, वह जंगली कुत्ते तुम्हारा नहीं मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे खाना चाहते हैं। तुम रुको और उनसे कहो, ये मुर्गा मेरा शिकार है और इसे मैं खाऊंगा। लोमड़ी ने मुर्गे की बात सुनकर रुका और कुत्तों की तरफ देखा। जैसे ही लोमड़ी ने अपना मुंह खोला, मुर्गा उड़कर एक पेड़ पर बैठ गया और जंगली कुत्तों ने लोमड़ी को खा लिया। सीख: लाल मुर्गे ने अपनी चतुराई से अपने आप को मौत के मुंह से बचाया।